हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे तो आज का सीजन 3 का एपिसोड 4 करने वाले हैं। ये देखिए, बचा लिया बाबू, और वो भी उस रकम से जिसकी उनकी कबीले को बहुत जरूरत थी। तो कहना क्या चाहती हो मेरी बच्ची? आखिर हमारी रहमदिली कहाँ चली गई? मैं तो बस ये सोच रही थी। तो तुम्हें इसका जवाब मिला? सेहन खातून, बहुत जल्द मिल जाएगा जवाब। शौलपान खातून, ये रहमदिली तो हमने उसी वक्त छोड़ दी थी जब सोने को तरजीह दी थी। आप हमसे किस बारे में बात करना चाहते थे बाबा? हमें कुछ बात करनी है चौपा, तुम जा सकती हो। तुम यही रुको जाओ। चौलपान मेरी सौजा है, जो बात होगी इसके सामने होगी। माफ कीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम है उराल साहब। मुझे लगता है हमें एहतियात बरतना चाहिए तुम्हारी उन शर्मनाक हरकतों की वजह से। मुझे कितनी शर्मिंदगी उठाना पड़ी है जानते हो ना तुम? आप अब भी उस मलून की बातों पर यकीन किए बैठे हैं? अच्छी तरह जानते हो तुम जो मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ। और यार, तुम्हारी हरकतों ने मैं तो Thank you.
सही हो वो भाई, आप ठीक हैं? अगर ये जिरा ना होती तो आज मैं जन्नत में होता वारिया और हमेशा जन्नत में तड़पता रहता कि मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा ना कर सका था। चल गया और वो
अकेला भी नहीं था, उसके साथ और भी गद्दार थे जो हमारे चारों जानिब फैले हुए थे। उनके चेहरे देखे थे क्या आप लोगों ने? मैं तो नहीं देख पाई। उनके चेहरे तो नहीं देख सके, लेकिन उनकी महारत का अंदाजा हो गया। लेकिन एक तरह से ये भी अच्छा ही हुआ हमारे लिए, हमें उनकी ताकत का अंदाजा हो गया। परेशान ना हुआ, वो मर चुका होगा, उसके सीने में अपने हाथों से तीर उतारे। तुम मेरे लिए फरिश्ता हो मारिया। सुलेमान के किले को तामीर करूंगा।
हमेशा उसके साथ रहेगा, जिंदगी में भी और मौत के बाद भी। मुझे वो वक्त अच्छी तरह याद है जब मुझे भेड़ियों ने घेर लिया था, तो इसने मेरी जान बचाई थी। हमने अंजीर के दरख्त के नीचे कसम खाई भाई बनकर रहेंगे। हम दोनों ने मिलकर कितनी बार मौत को शिकस्त दी। अपनी बीवी, अपनी औलाद, अपना सब कुछ मैंने उसकी अमान में दे दिया, लेकिन उस बदसाद ने ये क्या किया मेरे साथ? अपने हाथ दीजिए बाबा। पर वो अच्छे थे। काश के ये सब देखने से पहले ही दुनिया खत्म हो जाती तो तनिष्क की इस खंडारी ने मुझसे मेरी सारी हयात छीन लिए गई थी। तो तनिष्क ने यकीन है आप पर किसी वजह से ही हमला किया होगा बाबा। हमें किसी भी तरह वो वजह ढूंढने की जरूरत है। मैं उस वजह को जानने के लिए अपना सब
अपनी जान दी। बीचों बीच नहीं छोड़ना चाहिए था। एक सरदार के लिए जानना जरूरी है कि एक तीर से कैसे दो शिकार किए जाते हैं। तो तमिश की मौत के बाद इन लोगों में फूट पड़ जाएगी और आज बाबा सिर्फ हुक्म की तामील करेंगे, वो सिर्फ मुझ पर या अपने आप पर भरोसा कर पाएंगे। और सीमान, अगर उसने आपका रास फाश कर दिया तो फिर मैं उसकी मुलाकात मौत के फरिश्ते से करवा दूंगा। चलमान, तू क्यों इतनी परेशान हो इस बारे में? बस मेरे दिल में खदशा सा है, उसकी लाश को वहां नहीं छोड़ना चाहिए था। उसे एक आंख वाले आदमी को अच्छी तरह समझा देना, उसकी दूसरी आंख भी साया कर सकता हूं मैं। कालीनों की क्या खबर है? खवातीन से बेहतरीन कालीन और आला दरिया तैयार करवाई है मैंने। उन वैनती के ताजरों को मैं ऐसे बेवकूफ बनाऊंगा कि कुछ भी कहे बगैर अपने सोने से भरी थैलियां मैं अपने बाबा के हाथ में एक एक करके वो सब थैलियां दे दूंगा और उसके बाद वो तो तमीज की जुदाई का दुख भूल जाएंगे। तो तमिश के गम में सरदार जानदार को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए हमें। तुम मेरे साथ बाजार क्यों नहीं चल रहे? क्या वाकई सरताज, कुछ खरीदारी भी करनी थी बाजार से? मैं बाबा मैंने आपसे बगैर पूछे आलियार भाई को यहाँ आने की दावत दी है। याद आ रही थी इनकी मुझे। अपनी माँ की तरह वो तुम असलिया उसी की तरह जज्बा थी। आलियार भाई की कबीले को जरूरत है। आलियार अब एक ऐसा तातार बन गया है जो अपना रूप और दबदबा खो चुका है बेटा। कलम उठाने वाले हाला तैयार है क्या? तैयार है बाबा, चौपाल खातू ने सब तैयार करवा दी है। असले हाल भी साथ जाएगी तुम्हारे। चौपाल जानदार ने जो कहा सुना नहीं आपने? बाबा की ख्वाहिश है कि मैं उनके सामने रहूं। अगर मेरे दिक्कत ताजिर कालीनों के बारे में तुमसे कुछ पूछेंगे तो असलहान का वहां मौजूद होना फायदेमंद होगा, क्योंकि ये कालीनों के बारे में तुमसे ज्यादा मालूमात रखती है। भाई बहुत हो गया, बस अब बहुत अरसे से मुश्किल झेल रहे हैं। अर्थरुल भाई का हमेशा साथ दिया है हमने, लेकिन औस की रिवायात को भूल चुके हैं वो। मुजरे की दरखास्त कैसे रद्द कर सकते हैं? अब अपने सरदार के लिए जान भी दे सकते हैं अर्थरुल भाई, लेकिन जिरगा बुलाने की दरखास्त करना हमारा हक है। हमारी दरखास्त पर जिरगा बुलाना कबीले के सरदार पर लाजिम है। अर्थरुल भाई ने हमारे कबीले की रिवायात को नजरअंदाज किया। जो कुछ आपने कहा दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मुझे भी अपनी बात करने दीजिए। मैं जानता हूं कि आप सब लोग अपने कबीले की खुशहाली, बच्चों के मुस्तकबिल
और अपने खेमों के सुकून के हवाले से मुतफक्किर है और ये बात भी मालूम है कि हमारा कबीला एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन कुरान पाक में अल्लाह का फरमान यही है, हमने तुम्हारे लिए हिजरत के बाद इस तरह की मुश्किलात दरपेश होती हैं, लेकिन हमें हमेशा तैयार रहना होगा इनके मुकाबले के। लगता है ये सब कुछ खत्म होने वाला नहीं है तुम भाई, और आपको मालूम है कि सबके जिम्मेदार हम लोग नहीं है। औलाद को पिघलाए बगैर तलवार नहीं बन सकती और हमारे ये दिन उसी मरहले की मानिंद है जिसके इख्तिताम पर हमें तलवार बनना है, लेकिन ये बात भी जान लीजिए सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले हमारे सरदार ही हैं। हम तो अपने खेमों के मसाइल तक हल नहीं कर पाए और कोताहियों के मुर्तकिब हो रहे हैं, दूसरे रहे हैं। दर हकीकत जिरगे की दरख्वास्त को रद्द करने के पीछे एक अहम मसला है जो कबीले को दरपेश है। हासिले कलाम ये है कि तलवार को आपकी बहादुरी की जरूरत है, एक बहादुर को रियासत की और एक रियासत को अच्छे सरदार की और सरदार को आप लोगों की। बिल्कुल सही कहा आपने अब्दुल भाई। अखलाकियात असास है रियासत की, अखलाकियात के बगैर मुर्दा जिस्म की मानिंद है किस तरह कायम रह सकती है, क्योंकि इसके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। ये बात अच्छी तरह जान लीजिए, जमीन को महफूज पहाड़ रखते हैं और एक कबीले को सरदार, और हमारा सरदार हम सबसे बेहतर जानता है। बहुत अच्छी तरह से बोल रहा है। सही वक्त आने पर बहुत जल्द जिरगे में मौजूदीन को मधु करेंगे इंशाअल्लाह। इसको बुरा लग रहा है। क्या सूरत हाल है बेटी? ये गाड़ी बाजार ले जाने के लिए बहुत कम है वालिदा। मतलब सूरत हाल मुनासिब नहीं जब हम इन्हें कालीन जमा करने के लिए आमादा नहीं कर सके तो जंग के लिए कैसे आमादा करेंगे? अर्तुल बस पहुंचने ही वाला होगा यहाँ। भाई है सब समान नहीं ले रहे। काली ज्यादा जमा नहीं हो सके हाय वफा के, और मौजूदीन भी जिरगा ना बुलाने पर काफी बढ़ा है। इतने खुदसर हो गए कबीले के लोग, यकीन नहीं आता थोड़े से मुश्किल वक्त में ये लोग हिम्मत हार बैठे। भाई कैसा रहा शिकार? बहुत अच्छा रहा दुल्हा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम ज्यादा कालीन जमा नहीं कर पाए। परेशान मत हो तुम, अपने लोगों को जानता हूं, इनके पास जो कुछ होगा ये लेकर हाजिर हो जाएंगे। सरदार आप जानते हैं कि मैंने और मेरे बेटों ने आप पर इत्मीनान किया है, सब कुछ कुर्बान कर दिया आप पर। ये मेरे और मेरे यतीम पोतों के पास एक ही कालीन था, ये कालीन भी आप पर कुर्बान। बहुत शुक्रिया हाथ। कई कबीला आप जैसी मोहतरम खातून का हमेशा एहसान मंद रहेगा। अल्लाह आपका मददगार हो। हुक्म भाई ये कालीन जैसा आपका
तुम दोनों मेरे जैसा आप गए भाई। दुआन का है दुआन? दुआन नहीं है ना, कहीं तो भेजा है ना उसको। आएगा जल्दी है। तुमको पता है ना क्या हो? सबसे पहले तो ये पता लगाओ कि दुश्मन कौन है। बहुत ताकतवर है इस बार हमारा दुश्मन और समझदार। पहली बार मिला है हमें हमारी टक्कर का दुश्मन। दुश्मन बहुत राजदारी से काम ले रहा है भाई। भाई इस बार हमारा हदफ यही लोग है क्या? वो उतने शातिर नहीं निकले जितना हमने सोचा था। शिकार उनके हाथ से निकल चुका है भाई। हम गहरे पानी में तो डूब सकते हैं लेकिन तेज बहते हुए पानी में नहीं। तो सही कहा तुम भाई। हम नौयान से लड़ चुके हैं भाई, ये लोग उसके सामने कुछ नहीं। हम जानते थे तुम नहीं जानते। दुश्मन बहादुर हो तो बात मुख्तलिफ है। मुझे देखना है दुश्मन ये सब कर बात करने वाली। ये तो एक हो गया, एक तो हो गया है। हाँ। ये तो हो गया एक वो जो जिसका नाम लिया था ना। दोबारा जरूर आएगा और हमारे बारे में जानने की कोशिश भी करेगा। वो बाजार में आने वाले हर शख्स पर नजर रखो। हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। सब पर नजर रखना। कौन बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहा है, कौन जंगी काबिलियत रखता है, हर एक शख्स पे नजर रखनी है तुम्हें। मुसलमानों को मैं देख लूंगा, बाकी जिम्मेदारी मेरी। मुझे यकीन है कि वो उसके लिए जरूर आएंगे। हमारे पास बस एक ही नाम है, मजहबी देशवादी आया। सबसे पहले उस गुलामों के ताजर को पकड़ना होगा, वो हमें उस तक लेकर जाएगा। तुम ये जिम्मेदारी दुबरुल के सुपुर्द कर दो तुमको, जैसा आप कहें भाई। लेकिन तिरस्तान का इस्तेमाल करके वो लोग हमारे लिए जाम भी बिछा सकते हैं। सही की बात की है। माशाल्लाह मेरे भाई, माशाल्लाह। तुम सीख रहे हो, ऐसा करो कि दुबुल को उसकी जासूसी पर लगा दो। वो सिर्फ मालूमात जमा करेगा, हमें सब पर नजर रखना होगी। ताजरों पर, बाजार में खरीदारी करने वालों पर, काम करने वालों पर, हर एक पर। देखते हैं कहां टकराते हैं वहां से। आज चालू है प्लानिंग। अभी अब हमें इन कालीनों को लाकर बाजार लेकर जाना है। मेरे देखे ताजर मुंतजर होंगे। जैसा आपका हुक्म भाई, जैसा आपका हुक्म भाई। क्या कहना है अर्दुरुल भाई? जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आपके शशांक का बदला चुका दूंगा मैं। अर्दुरुल भाई को भी बताया था मैंने। मेरे पास एक मंसूबा है,
जिसके एक सिरे पर शीशे का गोला बना है। उस चश्मे के अंदर बहुत सा सोना है, बहुत सारा सोना है उसके अंदर। अर्जुन भाई, अगर मुझे जरूरत के औजार और आलात मिल जाए तो वहां से वो सोना निकाल सकता हूं मैं। आपको क्या दरकार? एक लंबे दस्ते का बेलचा, हथौड़ा पत्थर तोड़ने के लिए और एक छन्नी, और कुछ नहीं भाई। ये सब हम बाजार से खरीद लेंगे। ओके। सोना मिल गया तो फिर तो भाई दुकान के आगे लगा दो, मैंने देख के ताजो कुछ देर में आने वाले होंगे। लगता है तुम्हें और भाई को पूरा यकीन है कि मैंने देख के ताजरों को कालीन फरोख्त कर दोगे। मुझे और फिर तो तुम तमिश की गद्दार के बारे में भी पूरा तमाम है। जो भी उड़ाल भाई पर तलवार उठाएगा वो गद्दार है, स्नेहा खातून। तैयार है सब कुछ? सब तैयार है भाई, जानवर भी तैयार है। जब आपका हुक्म होगा हम रवाना हो जाएंगे। मुकम्मल तो है तैयारी, लेकिन अगर उसको आप ला देगी तो? ऐसी कोई शय नहीं जो उड़ाल ने इस बाजार में पीछे ना हो। एक्चुअली कंपटीशन है ना कालीन कालीन का। मैंने देख के ताजी इंतजार कर रहे होंगे मेरा। मैं भी चलूंगी साथ। मुझे सिमोन से कुछ जरूरी उम्र पर बात करनी है, बट वो हम तुम्हें बाद में ले आएगा। निकाल लिया और मैसेज देगा सर के अंदर छुपाया हुआ। मुझे तो पता भी था, मैंने वही सोचा ये मर जाएगा तो फिर क्या, मतलब क्या ही पता चलेगा। सामने ही मैसेज था पर उन लोगों को मालूम नहीं पड़ा। बहुत जबरदस्त, लेकिन वो आदमी को मार गया है। सो अभी ये थोड़ी बोलते हैं ना जो उसकी बहन है उसको थोड़ा ना ऐसा है कुछ, तो नाम नहीं याद कर पा रही है। उराल का नाम याद हुआ है, बाकी नाम याद करने में टाइम लगेगा ऑफ कोर्स। सिमोन उराल और ऊपर से अभी वो है सोना ढूंढ लिया अगर उसने गेम पलटी पूरी। वो एक्चुअली उन्होंने वही कहा ना कि काश अगर अल्लाह का हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है यार, मैं तो बहुत खुश होता हूँ। शांत सही किया उसको निकाल के वहां से, क्योंकि 10 सीखों के बजाय कितना सोना निकालेगा और वही बेच के वो लोग कर सकते हैं ना। तो और सिक्के से तब वो टाइम पे सोने की सिक्के हुआ था ना, सही बात। तो उसको सिक्कों में कन्वर्ट करके देखें यूज मीडिया, तो वो बेच के जो भी है, क्योंकि वो टाइम पे गोल्ड ही करेंसी हुआ। गोल्ड, सही बात है, सही बात है। बट बहुत अच्छा लग रहा है अभी देखने के लिए। प्लानिंग कहाँ तक जाएगी, कैसे जाएगी, वो देखना होगा आगे ऑफकोर्स। और कौन से लेवल तक अभी गेम होता है वो भी देखना होगा। देखते आगे गाइस, तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन।